ऑल राइट गाइस, तो आ चुका हूँ फिर से इंस्टाग्राम रील्स ट्रेंडिंग ऑडियो वाला वीडियो एडिटिंग को लेके। सो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप इस सॉन्ग पे इस टाइप का वीडियो बना सकते हो। वीडियो को आप यहाँ पे देख सकते हो, स्टार्टिंग में ब्लर है एंड उसके बाद गाइस यार जब गाना चेंजिंग होता है ना तो उसके बाद आप देख सकते हो शेकिंग इफेक्ट और फ्लिकर इफेक्ट एंड वीडियो का क्वालिटी देख सकते हो। ठीक है, तो कैसे आपको इस टाइप का शेकिंग इफेक्ट डालना है वीडियो में एकदम आसान तरीके से बताने वाला हूँ, तो बस यहाँ पे आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाना होगा, कैपकट एप्लीकेशन होना चाहिए इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और किसी वीपीएन से आप कनेक्ट कर लेना। ठीक है, सो कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सो करिएगा न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन, इस पर आपको टिक करना होगा। नॉर्मल से वीडियो को यहाँ पे ले लेना होगा कुछ इस प्रकार से। अगर वीडियो को प्ले करके दिखाऊं देख सकते हो वीडियो नॉर्मल सा है। ठीक है, ना ही वीडियो स्टार्टिंग में ब्लर है एंड ना ही यहाँ पे शेकिंग इफेक्ट डाला गया है। ठीक है, नॉर्मल सा वीडियो है, आप चाहो तो इस म्यूजिक पे एक वीडियो शूट कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है एंड तुम्हारा भाई अभी के टाइम बाहर है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से वीडियो को ले लिया हूँ। अब आपको लास्ट में आके ब्लैक लेयर को डिलीट कर देना, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। अब आपको स्टार्टिंग में आ जाना होगा। ठीक है, आने के बाद सबसे पहले म्यूजिक को ऐड करेंगे, सो करके ऐड ऑडियो का ऑप्शन टिक करेंगे, एक्सट्रैक्टेड पे टिक करेंगे। जो ओरिजिनल म्यूजिक है उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप जाकर डाउनलोड करें ना, सो उस वाले वीडियो को आप सिलेक्ट करोगे, इधर ऑडियो कट के आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ से वीडियो को प्ले करना होगा। प्ले करने बाद गई सर वहाँ पे आ जाना होगा जहाँ पे बोलता है जोर जोर से गाए गाना। ठीक है, तो गई सर वाला साउंड यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आप प्ले करके देख लेना, 3 सेकंड के पास आ रहा है। अब 3 सेकंड देख सकते हो यहाँ पे शो करेगा। देन ऊपर वाले वीडियो पे टिक करके स्प्लिट पे टिक करके आपको यहाँ पे दो पार्ट में वीडियो को बांट लेना होगा कुछ इस प्रकार से। दो पार्ट में वीडियो आ चुका है, अब आपको करना क्योंकि फर्स्ट वाला जो पार्ट है पूरा ब्लर रहेगा, देन इधर का जो पार्ट है शेकिंग इफेक्ट फ्लिकर इफेक्ट थोड़ा सा एडजस्ट वगैरह भी करेंगे। ठीक है, अब आपको स्टार्टिंग माना होगा, सबसे पहले ब्लर इफेक्ट को ही लगा लेते हैं। तो यहाँ से आपको बैक करना होगा, शो के नीचे इफेक्ट का ऑप्शन टिक करेंगे, वीडियो इफेक्ट पर टिक करेंगे, किसी वीपीएन से आप कनेक्ट कर लेना इस वाले एप्लीकेशन को। यहाँ पे शो करेगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग का ऑप्शन, इस पर आपको टिक करना होगा। बहुत सारे ब्लर इफेक्ट मिलेंगे, सिंपली आप यहाँ से हेलो ब्लर लगा लेना। ठीक है, इस वाले वीडियो में देन अब यहाँ पे आपको डन कर देना होगा। डन करने के बाद गई सर यहाँ पे करना क्या होगा, इसका लेंथ ना फर्स्ट वाले पार्ट तक कर लेना होगा यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसी लेयर पे टिक करना होगा, एडजस्ट करेंगे थोड़ा बहुत, देन एडजस्ट पे टिक करके स्पीड को यहाँ पे 20 या 25 के आसपास रखना कुछ इस प्रकार से। इंटेंसिटी को एकदम फुल कर देना, देन यहाँ से आपको डन कर देना होगा। सो देख सकते हो गाइस इसमें ब्लर इफेक्ट लग चुका है। ठीक है, अब गाइस सर इधर वाले पार्ट में हम शेकिंग इफेक्ट डालेंगे, तो आपको गाइस सर इस वाले पार्ट की स्टार्टिंग में आ जाना होगा। ठीक है, फिर से आपको वीडियो इफेक्ट पे टिक करना होगा। ठीक है, सो यहाँ पे एक ऑप्शन शो करेगा नाइट एंड क्लब का ऑप्शन है, आप देखोगे तो यहाँ पे। ठीक है, इस पर आपको टिक करना होगा। टिक करने के बाद गाइस सर नीचे स्लाइड करोगे, यहाँ पे शो करेगा कैमरा शेक एंड शेक, देख सकते हो शेक ए है और कैमरा शेक ए है। ठीक है, आपको करना क्या होगा, सबसे पहले कैमरा शेक इफेक्ट को डालना होगा। ठीक है, तो कैमरा शेक वाले इफेक्ट को लगाएंगे, देन यहाँ से हम डन करेंगे, इसका लेंथ कुछ इस प्रकार से वीडियो को एकदम लास्ट तक कर देना होगा जहाँ तक आपका वीडियो है। सो यहाँ पे करने के बाद गाइस एडजस्ट पे आपको टिक करना होगा। ठीक है, रेंज जो है ना यहाँ पे आपको 40 या 45 का आसपास रखना, देन स्पीड को गाइस यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देना। ठीक है, देन अपने हिसाब से आप देख लेना, देन यहाँ से हम डन करेंगे। सो ए वाला इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। ठीक है, देन आपको फिर से गाइस इसी वाले वीडियो की स्टार्टिंग में फिर से आ जाना होगा, फिर से आपको वीडियो इफेक्ट पे टिक करना होगा। अब यहाँ पे आपको शेक वाले इफेक्ट को डाल लेना होगा फिर से यहाँ पे। ठीक है, इससे पहले डाले थे कैमरा शेक, देन सेकंड में आपको शेक वाले को लगा लेना होगा, देन फिर से यहाँ से हम डन करेंगे, इसका भी लेंथ कुछ इस प्रकार से वीडियो के लास्ट तक कर देना होगा। ठीक है, फिर से आपको एडजस्ट पे टिक करना होगा। स्पीड को कैसे जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपका वीडियो शेक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा शेक नहीं कराना मेरे को, तो यहाँ पे 30 के राउंड के रखना। ठीक है, इंटेंसिटी को कैसे आप थोड़ा सा इंक्रीज कर देना या डाउन भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, देन यहाँ से हम डन करेंगे, देख सकते हो कैसे शेकिंग इफेक्ट भी लग चुका है। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, वीडियो पे आप टिक करना। ठीक है, आप कलर को देख सकते हो, बिगनेट वगैरह इसमें लगाया गया है। तो वीडियो पे टिक करने के बाद कैसे इधर स्लाइड करोगे, शो करेगा एडजस्ट का ऑप्शन, इस पर आपको टिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे सबसे लास्ट में आके यहाँ पे दूसरा नंबर पे बिगनेट का ऑप्शन शो करेगा, इसको कुछ इस प्रकार से बढ़ाओगे तो साइड साइड में देख सकते हो कैसे ब्लैक साइड हो आ रहा है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे 27 या 30 के आसपास रखना बिगनेट को, देने यहाँ से हम डन करेंगे। तो इतना करने के बाद कैसे फिर से आपको स्टार्टिंग में आ जाना होगा, फिर से वीडियो इफेक्ट पे टिक करना होगा। टिक करने के बाद कैसे नाइट्स क्लब में ही रहना होगा आपको आकर। ठीक है, तो इधर स्लाइड करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन शो करेगा फ्लिकर, देख सकोगे इस तरह। ठीक है, इसको लगाने के बाद कैसे वीडियो आपका काफ़ी कमाल लगेगा, देन यहाँ से हम डन करेंगे। डन करने के बाद कैसे इसका भी लेंथ कुछ इस प्रकार से एकदम लास्ट तक कर देना होगा, देन कैसे एडजस्ट पर टिक करके यहाँ पे स्पीड को कैसे थोड़ा सा कम रखना कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आप देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, देन यहाँ से हम डन करेंगे। ठीक है, तो सो फाइनली पूरी तरीके से वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको लास्ट बार वीडियो को प्ले करके दिखाऊँ ना तो कुछ इस प्रकार से वीडियो लगेगा, इसे आप देख सकते हो काफ़ी कमाल का वीडियो लग रहा है। वैसे तो कुछ इस ट्रिक से कई सारे स्टेप का वीडियो आप बना सकते हो। सो वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर से होकर यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन, सिंपली आप इस पर टिक करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने आप गैलरी में।